तो हेलो गाइज, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं फार्मा सोनू भाई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर इंजेक्शन लगाते समय पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या क्या कर सकते हैं और उस कंडीशन को हम कैसे डील कर सकते हैं, और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि रिएक्शन किन किन टाइप का हो सकता है। तो गाइज, बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे हो सकता है कि अनकॉन्शियस, मतलब कि बेहोशी हो जाना, इंक्रीज बीपी, बीपी का बढ़ जाना, डिक्रीज बीपी, बीपी का घट जाना, स्लो हार्ट बीट हो जाना, वोमिटिंग हो जाना, स्किन में रिएक्शन हो जाना और ब्रेथिंग डिफिकल्ट, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और इसमें कुछ एस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं गाइस, जिसमें कि हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन और बिटामेथासोन इंजेक्शन को इस रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं। भी टाइप के रिएक्शन हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मेरा प्रायोरिटी बनता है कि उस पेशेंट को हम सीधी से अपने बेड पर लेटा दें। इसके बाद देखिए कि कंडीशन क्या क्या हो रहा है। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उस समय हम 110 mg इंस्टेंट डेरिफाइन इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देंगे। अगर पेशेंट को सीवर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को आराम से लेटा देंगे। इसके बाद 0.5 ml का ADR लगाएंगे या वैसोप्रिन लगाएंगे, जो कि अगर उस समय कंडीशन उसका अच्छा नहीं जाता है तो फिर उसे हम 10 मिनट बाद रिपीट करते रहेंगे। देन फिर अगर पेशेंट का बीपी घट रहा है तो उस समय हम 30 ml बीपी लो हो जाने पर उस पेशेंट को माइफेन टी इंजेक्शन यूज करेंगे। उसे आप IM या IV यूज कर सकते हैं। देन अगर फिर पेशेंट को वोमिटिंग टाइप का हो रहा है, नॉजी टाइप का हो रहा है, तो आप उस टाइम 2 ml इंस्टेंट IM या IV ऑनडेम इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को स्किन का एलर्जी हो चुका है, जैसे कि इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, तो उस टाइम हम 25 mg 2 ml IM या IV एविल इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे आपका कम है, अगर आप घर पे हैं, तो फिर आप एविल टैबलेट का यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।